Hi guys, this is Ishika. So before I start with this video, let me wave a hello to my new subscriber. She is Komal Jain, and she asked me one question, which is foundations, concealers and compact for oily skin people and acne prone skin people. So yes, Komal, hi, and welcome to my YouTube family. And yes, मैं खुद, मेरी skin काफ़ी oily है and acne prone है. मुझे breakouts बहुत easily होते हैं. Yes, there are few products जो कि मैं अपने मेकअप में बहुत सोच समझ के मुझे प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं, ख़रीदने पड़ते हैं कि ऑयली फ्री हो, मैटिफाइंग हो, एक्ने प्रोन हो, एक्ने प्रोन नहीं हो, सॉरी आई एम सॉरी, जिनसे मुझे कम से कम एक्ने हो, कम से कम मुझे ब्रेकआउट्स हो, और जो मेरी ऑयली स्किन को कवर अप कर सके, मैटिफाई कर सके. सो यस, लेट मी ओपन दिस अप फॉर यू डियर. हेयर आर फ्यू कंसीलर जो कि मैं यूज़ करती हूँ. लेट मी शो यू वन बाय वन. सो दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स, एंड जिसमें से मैं आपको दिखा दूँ. सबसे पहले दीज आर फ्रॉम एलए गर्ल्स. ये एलए गर्ल के हैं, एंड ये बहुत ही अच्छे रहते हैं. ये वैसे ये आपको मैं बता दूं, ये कॉम्बिनेशन स्किन के पीपल हो या ड्राई स्किन के पीपल हो या ऑयली स्किन के पीपल हो, ये बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं. ये कोई भी स्किन के पीपल इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब मुझे हाई कवरेज मेकअप करना होता है. फ्लॉलेस, बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस स्किन चाहिए होती है. दैट पर्टिकुलर टाइम आई यूज़ दिस एज ए योर कलर करेक्टर. दिस इज़ एन ऑरेंज शेड में है. दिस इज़ योर कंसीलर जब मुझे कुछ कंसील करना हो या हाईलाइट करना हो. दैट टाइम आई यूज़ दिस one, and this one I use for contouring, and I am simply in love with these concealer series from LA Girl. And this is from your Essence. This is match 2 cover cream concealer, and this is इन टू शेड्स टुगेदर है ये. आप हाईलाइटिंग, अगर आपको हाईलाइट पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं. एक डार्क में शेड में है, एक थोड़ा उससे लाइट शेड में है. सो दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ वेरी हैंडी. अगर आप मतलब अपने वैनिटी में भी इसको रख सकते हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड. एंड दिस स्टिक इज़ फ्रॉम योर मुआ. This is from MUA. It's kind of a like lipstick style में है, and बहुत ही अच्छा है. And जब भी stick आ जाती है तो आप stick जो concealers होते हैं, foundations होते हैं, आप समझ लीजिए कि पहले ही कि oily skin people के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं stick foundations, stick concealers. So this is from MUA. बहुत ही हल्का coverage देता है, but yes, अच्छा है. And this one is from your this one is your, yes, this is from your body shop. ये body shop का है ये. I don't know क्यों. okay, whatever. ये body shop का है, and ये काफ़ी अच्छा है. ये मैंने highlighting purpose के लिए लिया था. ये light shade में है काफ़ी, और इस ये काफ़ी सॉफ्ट है, क्रीमी है, बट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. ऑयल फ्री लुक आपको देता है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेबल है. बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. नाउ दिस इज़ अगेन फ्रॉम योर एसेंस का है, एंड दिस इज़ मैट हनी, एंड इट्स अ कवर स्टिक जो कि काफ़ी इसके पीछे लिखा ही हुआ है. इट्स गिव्स यू अ मैट फिनिश, आपको मैट फिनिश देता है. काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. सो आई अगेन लव दिस प्रोडक्ट, एंड दीज आर दी बेस्ट प्रोडक्ट जिसमें से जब जाहिर है कि हाउ मच आई लव फिट मी रेंज. एंड दिस इज़ मेबलिन कंसीलर, एंड दिस इज़ फिट मी का है ये.
बहुत ही अच्छी सीरीज़ है मेबलिन की जो फिटमी से रिलेटेड। द ओनली थिंग इज़ ये काफ़ी लिक्विड फॉर्म में है सो बहुत कम लगता है, तो अगर आप यूज़ करने जाएं तो बहुत कम इसको निकालिएगा, क्योंकि एकदम से झट से ज़्यादा निकाल लेंगे तो उसको फिर आपको ब्लेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत ही कम लगता है। एंड दिस इज़ फ्रॉम पैक एंड दिस इज़ दी बेस्ट। एक ये जिस पेंसिल फॉर्म में है काफ़ी अच्छे से आप उन जगह को भी इस मतलब अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब काफ़ी बारीकी से आप इस ये आपको लाइक इनर कॉर्नर ऑफ योर आइज़ और लिप्स के कॉर्नर्स में आप इसको काफ़ी अच्छे से इसको लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट इसके आते हैं। और ये एक स्टिक फॉर्म में होते हुए भी काफ़ी अच्छे से इजीली ब्लेंड होता है और काफ़ी फ्लॉलेस लुक देता है, काफ़ी अच्छे से ये हाई कवरेज कंसीलर है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट अ लॉट। सो येस, these are the few concealer which I use and I have shared with you people. I hope you like this series, and agar aapko further bhi kisi particular topic mein kuch video dekhna hai and if it's possible ki main wo video jald se jald upload kar sakun, so main definitely karungi. So yes, thanks a lot guys for watching my video, so meet you up soon, bye, till then, tada.